अंधा घोड़ा। शहर के नजदीक बने एक फार्म हाउस में दो घोड़े रहते थे। दूर से देखने पर वो दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, पर पास आ जाने पर पता चलता था कि उनमें से एक घोड़ा अंधा है। पर अंधे होने के बावजूद फार्म के मालिक ने उसे वहां से निकाला नहीं था, बल्कि उसे और भी अधिक सुरक्षा और आराम के साथ रखा था। अगर कोई थोड़ा और ध्यान देता तो उसे ये भी पता चलता कि मालिक ने दूसरे घोड़े के गले में एक घंटी बांध रखी थी, जिसकी आवाज सुनकर अंधा घोड़ा उसके पास पहुंच जाता और उसके पीछे पीछे बाड़े में घूमता। घंटी वाला घोड़ा भी अपने अंधे मित्र की परेशानी समझता। वह बीच बीच में पीछे मुड़कर देखता और इस बात को सुनिश्चित करता कि कहीं वो रास्ते में भटक ना जाए। वह ये भी सुनिश्चित करता कि उसका मित्र सुरक्षित वापस अपने स्थान पर पहुंच जाए, और उसके बाद ही वो अपनी जगह की ओर बढ़ता। दोस्तों, बाड़े के मालिक की तरह ही भगवान हमें बस इसलिए नहीं छोड़ देते कि हमारे अंदर कोई दोष या कमियां हैं। वो हमारा ख्याल रखते हैं और हमें जब भी जरूरत होती है तो किसी ना किसी को हमारी मदद के लिए भेज देते हैं। कभी कभी हम वो अंधे घोड़े होते हैं जो भगवान द्वारा बांधी गई घंटी की मदद से अपनी परेशानियों से पार पाते हैं, तो कभी हम अपने गले में बंधी घंटी द्वारा दूसरों को रास्ता दिखाने में भी काम आते हैं। आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करो और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।